आपको बताया जाएंगे रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ग के युवाओं का बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन, आपको बता दे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तक हाथों में पत्रधारी लोगों बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से प्रदर्शन, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं मोहन तिवारी की तरफ। सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई अनोखा प्रदर्शन न रूप से सड़कों पर निकल आए, वो दृश्य आज हमें देखने को मिला है। जैसा कि जानकारी कई सूत्री लोग फर्जी जाति प्रमाण को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति होता है वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह को बढ़ाए का प्रदर्शन किया और विधानसभा की ओर नग्न होकर उन्होंने कुछ किया। और हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले रोक लिया, लेकिन ये काफी ये इन्हें पहले रोका जाना था, इनकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन ये विधानसभा तक पहुंच गए। और ऐसा नैतिक रूप से भी करना भी गैर कानूनी है, तो कई कानूनों को तोड़ते पुलिस ने सबकी गिरफ्तारी कर ली है। और अभी भी सवाल वही है कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी प्रमाण सरकार एक्शन पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो कोर्ट का दरवाजा सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे में ये मांग करना कि ऐसे लोग समाज की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है, दलित जो पिछड़े दलित और एसटी एससी समाज के लोग हैं वो ये रहे थे, तो कई मंत्री वहां से निकल रहे थे और रवैया अपना रही है और कड़ी कार्रवाई तार हुए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी को लेकर सरकार क्या क्या साफ एक्शन ले सकती है? देखिए, क्योंकि अभी प्रदर्शन किया गया है होती है, वो इस बात को चैलेंज करते हैं कि अब ये सारी चीज समिति है उसके पास ये प्रकरण जाता है, आज में काफी लंबा समय लग जाता है, इसीलिए तुरंत कोई देखने को मिलता है कि इस तरीके के स्थितियां ये हो जाती है कि भाई नहीं हो पाती। और इसीलिए ध्यान ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है।
कार्रवाइयां हम प्रदर्शन के को भी सही नहीं कहा जो लोग वहां पर गुजर रहे थे उनके लिए भी स्थितियां व्यावहारिक है। प्रदर्शन पर जो प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई निर्देश दे दिए गए हैं। विधानसभा के आसपास प्रदर्शन करना वैसे ही वहां वो प्रदर्शन कर सकते थे लेकिन यहां तक आती बरती जाएगी अश्लीलता फैलाने के। जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।